ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ నిబంధనలను వ్యతిరేకిస్తూ జమాతుల్ ఉలమాయే హింద్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం బోధన్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో రిలే నిరహార దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంవత్సరాలుగా కలిసికట్టుగా ఐక్యతగా ఉంటున్న హిందూ ముస్లింలను విడగొడుతూ సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ చట్టాలను తీసుకురావడం శోచనీయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కన్నా దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తన నిర్ణయం వెనక్కు తీసుకునేంత వరకు తమ ఉద్యమం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు. उलमा इलेक्शन कमेटी की जानिब से वो हड़ताल रखा गया था, उसको इलेक्शन तक मुलतवी किया गया है जैसे कि हमारे अफराद ने बताया। मगर एक अहम खबर जो आज सुबह मौसूल हुई कि हुकूमत ने सीए को नाफिस कर दिया है, नोटिफिकेशन। बहुत अफसोस की बात है हमको कि हिंदुस्तान में जहां पर हमारे पर नए नए कानून जो लागू हो रहे हैं, जबकि एहतजाज करना हमारा हक है और हम खाली भूख हड़ताल बैठेंगे बोले तो वो भी हमको इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब हम इनसे ऐलान करते हैं या हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि दो दिन का उन्होंने हमको वादा दिया था हमारे उलमा को, हमारे मजाहदीन को, कि दो दिन के अंदर वो जवाब देंगे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। जबकि तुम अखिलियतों के दोस्त हैं बोलते हो, कहाँ के तुम कि ये जो हमारी गवर्नमेंट हमारे दलित भाइयों को भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मालूम होना चाहिए कि ये आज हम पहला निशाना है, उसके बाद में रिजर्वेशन जो है आरएसएस की पॉलिसी है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए। इस तरीके से फिर ईसाइयों का मामला है जो दूसरे स्टेट्स में जो ईसाइयों को जो मारा गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ये चीज़ें फ्यूचर में भी होने वाली है। इस लिहाज से हम उन भाइयों को लेकर हमारी संघर्ष को, हमारी लड़ाई को जारी है, अमल है। इसके लिए हम लोग तय किए हैं कि हर जुमेरात को सुबह 10 बजे मरहबा फंक्शन हॉल रईस पेट में जमा होंगे और इस सिलसिले में कुल जमाती मशवरा होता रहेगा। तमाम मुसलमानों से, तमाम नौजवानों से और तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि वो सीए कानून के ख़िलाफ़ में मुशावरती इजलास में हर जुमेरात को सुबह 10 बजे मरहबा फंक्शन हॉल रईस पेट में जमा हों। और सीए के बारे में जो वज़ीर दाखिला ये कह चुके हैं कि हम एक इंच भी इस कानून के खिलाफ, इस कानून से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो हम भी ये तय कर चुके हैं कि सीए कानून के खिलाफ में हम भी एक इंच अपनी तहरीक को पीछे हटाने वाले हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोधन में 9 रुकनी कुल जमाती उलमा कमेटी की जानिब से सीए कानून के खिलाफ में भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त मुकर्रा पर और इस जगह पर हम लोग जमा हो गए, लेकिन पुलिस का परमिशन नहीं मिलने की वजह से जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला इलेक्शन के बाद तक मौखर किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम दूसरी तारीख का बाद में ऐलान करेंगे। फिलहाल जंजीरी भूख हड़ताल जो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तय की गई है, इसको हम मौखर करने का ऐलान कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अलावा सीए कानून के खिलाफ में हमारा एहतजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी रहेगा, जैसा कि प्ले कार्ड की शक्ल में है, खवातीन के इज्तम की शक्ल में है और खवातीन की रैली के बारे में। మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్।